नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो पैसा है ना वो सहारा में फंसा हुआ है, और रिफंड लेने के लिए अपना जो आवेदन है वो समय समय लोगों के द्वारा किया ही जा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से रिफंड पाने के लिए जो क्लेम फॉर्म है उसको अब भर सकते हैं। अभी जो है अपडेट निकल के आ रहा है कि जो भी अब क्लेम की जो लिमिट है उसको बढ़ा दी गई है। पहले जो है 10 रुपये तक ही अब क्लेम करने के लिए आवेदन कर सकते थे जैसे इनके द्वारा कहा गया है, लेकिन अभी जो इसको 50,000 रुपये तक का जो क्लेम का फॉर्म है वो फिलअप करने की जो जानकारी जो है ऑफिशियल तौर पे यहाँ पे निकल के आ चुकी है। इस वीडियो में बताएंगे क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से आपको फॉर्म भरनी होती है, किस तरह से आपको पैसे मिलते हैं, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। एक बार नीचे जो है कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, आप में से किसी भी व्यक्ति को सारा रिफंड का पैसा मिला हुआ है तो प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया, किसी को अभी तक जो है पैसे यहाँ पे नहीं मिले हुए हैं। सबका एप्लीकेशन में कोई ना कोई कमी बताई गई है कि उनका जो डॉक्यूमेंट है सोसाइटी के द्वारा अपलोड नहीं किया गया है, कई सारे अलग अलग जो है बताकर उनको पैसे नहीं दिए गए। अगर आपको पैसे मिले हैं तो प्लीज एक बार जरूर बता दीजिएगा। आइए बताते हैं कि अपडेट क्या कुछ आया हुआ है। सकते हैं कि मेरे पास जो एक ऑफिशियल यहाँ पे पेपर का कटिंग है जिसमें जानकारी दिया गया है कि जो भी सहारा समूह के जमाकर्ता है ना उनको मिलेंगे 50,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि 50,000 रुपये जो है किस तरह से किनको मिलेगा, क्या कुछ अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है। बताया गया है कि केंद्र सरकार ने धन वापसी की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाई है, यानी कि आप सभी को पता ही है कि सहारा से रिफंड लेने के लिए आपको जो है 10,000 रुपये तक ही आवेदन यहाँ पे करने का जो लिमिट है आपको देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो पेपर के माध्यम जानकारी निकल के आ चुका है कि अब जो है 50,000 रुपये तक का जो आवेदन है ना वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि सहारा ग्रुप के कोऑपरेटिव सोसाइटी के छोटे जमाकर्ताओं को अब 50,000 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार ने धन वापसी की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये तक कर दी है। सहकारिता मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जो है जानकारी यहाँ पे दी है। अब तक CRS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से देखेंगे तो इन्होंने डेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि लगभग जो है 4,29,000 जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपये की जो राशि है ना यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, हो सकता है कि आपको पैसे मिले होंगे, हमने तो कई सारे लोगों का जो है फॉर्म फिलअप किया हुआ है जिसमें हमें पैसे देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि 370 करोड़ रुपये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। ठीक है, अधिकारियों ने बताया कि धन वापसी की सीमा बढ़ने से अगले 10 दिनों में करीब 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान हो जाएगा। रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के दावों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में पैसा जमा करने वाले नियोजकों की राशि वापस करने के लिए 18 जुलाई 2023 को CRS सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के अनुसार पिछले वर्ष 19 मई को से भी सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को ट्रांसफर किया गया था। डिजिटल माध्यम से धन वापसी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि 4 सहकारी सहमति में आपका पैसा है तो वापस होगा, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले इसमें सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में अगर आपका पैसा है जो कि कोलकाता के द्वारा चलाया गया था, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ के द्वारा चलाया गया था उसमें आपका पैसा है तो आप रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं, सहारा यान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड के भोपाल के अंतर्गत आपका पैसा जमा है तो उसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं, और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद शामिल है, यानी कि 4 इस सोसाइटी में आपका पैसा था तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं रिफंड लेने के लिए। बाकी 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की रकम फंसी हुई है, इसमें ज़्यादातर निवेशक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के शामिल हैं। बताया गया है कि रिफंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो रिफंड करने के लिए सबसे पहले क्लेम करना होगा, तो क्लेम जो है इनके पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन ही करेंगे तो स्वीकार होगा, दूसरे किसी माध्यम से करेंगे तो यहाँ पे स्वीकार देखने को नहीं मिलेगा। पैसा वापस पाने के लिए बचत खाता नंबर, आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट या फिर पासबुक की जो फोटो कॉपी है उसको अपलोड करके आपको जो है क्लेम करना होता है। बाकी किसी प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने नंबर दिया हुआ है जिसपे आप संपर्क करके सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको रिफंड लेना है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आवेदन करने के लिए CR, ठीक है, CS जो कि आप देखेंगे तो ये जो है इनका ऑफिशियल पोर्टल है, तो इसको आप यहाँ पे खोलेंगे तो आपके सामने इनका जो पोर्टल है नहीं खुल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार इसको खोल लेता हूँ, यहाँ पे एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ से, तो इस तरह सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा जिसको आप यहाँ पे ओपन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कि अपना जो फॉर्म है ना उसको भर सकते हैं। डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके जो भी अपना आधार नंबर वगैरह वगैरह है उसको डालकर यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे तो जिन्होंने पूर्व में फॉर्म को फिलअप किया हुआ है और अपना जो एप्लीकेशन का
स्टेटस है चेक करना चाहते हैं तो डिपॉजिटर लॉगिन का एक बटन मिलेगा जिस पर क्लिक करके कर सकते हैं। और जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया था उनमें किसी प्रकार की खामियां हैं तो अपना जो रीसबमिशन है इनके माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें 5 लाख रुपये तक का जो रीसबमिशन है वो इनके द्वारा एक्सेप्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आकर अपना जो भी CRN नंबर होता है उसको डालकर यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैंने जो ये पूरी जानकारी बताया, बाकी आपको अलग अलग वीडियो चाहिए तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से फॉर्म भरना है, किस तरह से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ किस तरह से रीसबमिशन का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बताएंगे हमें, तो अलग से हम वीडियो लाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।